जागिए। हाँ आनंदी। मैके से कब लौटे? बस दो हफ्ते पहले क्वारंटीन कर रहा था। क्वारंटीन किसके साथ? वो अपने भाई साहब के साथ। कौन भाई साहब? बे भाई साहब भी आए ना एक और मैके से, उनके साथ कर रहा था। अच्छा, बुलबुल देखी? हाँ देखी, मैंने तो काफी रिलेट भी किया है ना, किस तरह से मैं एक छोटी सी बहू बन के तुम्हारे घर आई थी तुम्हारे साथ। नहीं नहीं नहीं, मैं उस पार्ट से रिलेट किया जहाँ पे बड़ी बहू घर की चुड़ैल है। ठीक है, चुड़ैल बोल रहा है मुझे तेरी माँ का रुक तेरी बहन। We definitely like your performance when you subscribe to Men's XP. Hi guys, मैं हूँ मेरे साथ शुभम और आप देख रहे हैं ऑल फेमस ऑनेस्ट रिव्यूज। और गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं हम वापस आ गए अपने नेचुरल हैबिटेट में। नेचुरल हैबिटेट में आ गए, लेकिन ये प्लास्टिक का एक पर्दा चढ़ा दिया गया है गाइस। ये बिल्कुल अनलॉक वन की तरह है, ये बिल्कुल आरोग्य सेतु ऐप की तरह है। अब ये हमने लगा दिया, हमें कोरोना नहीं होगा। ये कोरोनिल है हमारी, ये मेंस बॉटी बाई मेंस एक्सपी। ये दाढ़ी वाले बाबा रामदेव, मैं आचार्य बालकृष्ण। अब पतंजलि ला रहा है अपना पेट्रोल, हर्बल पेट्रोल। उससे विद इन 3 डेज आप लद्दाख, विद इन 7 डेज पाकिस्तान। और पी के दिखाएंगे थोड़ा सा आचार्य बालकृष्ण। खट्टी खट्टी मीठी मीठी। साले चिपक चिपक के बैठ के कोरोनिल लॉन्च कर रहे थे, एक आध बुड्ढो की बड़ी थी, उन्होंने तो मास्क लगा रखे थे। बाबा रामदेव भाई चौड़ में आ, कोरोना साले पेटी लाइला के मार दूंगा तुझे। इधर आ। इस पर्दे को लगाते विद इन 7 डेज 69% मरीज ठीक हो जाते हैं, और विद इन 10 डेज 100% मरीज ठीक। और गाइस, इसके अलावा भी अगर आपको लग रहा है कि हमने एहतियात नहीं बरती, तो गाइस हमारे स्टूडियो में खाली 6 लोग हैं। 6 लोग। कोरोना सिर्फ वहाँ होता है जहाँ एक कमरे में 7 लोग हो। बस कोरोना आया दरवाजे पे, आया कहला है इसकी माँ का, याद होता 6 लोग हैं। 6 लोग यार क्या है, एक को पकड़ के लाता हूँ फिर हो जाता हूँ। इनको हो जाता हूँ, मजा सा आ रहा भाई। कुर्सी पे बैठती जोक निकल रहे हैं, घर वाली कुर्सी पे बैठ के सिर्फ पसीने निकलते। वो बात भी ना कि इन्होंने भी कौन सी हमारे साथ हमदर्दी कर ली कोई। यहाँ स्टूडियो बंद हो, कह रहा हटाओ इन मैन को, इन्हें हटाओ। ऐसा दिल टूटा ना बच्चों हमारा, कहाँ तो तुम लोग इतना प्यार देते थे। कहाँ कह रहे गाइस बैकग्राउंड म्यूजिक इज टू मच, व्हाट इज रॉन्ग विद शुभम बियर्ड। ये तो तुमने देखा ही नहीं, मैं फुल कट आउट आके आ गया हूं। मैं, मेरी गाइस अभी तक हिम्मत नहीं हुई है। मैं भी जान पे खेल के गया था नाई के पास, और नाइयों ने भी कुछ नहीं किया है। अब हमें तो पता नहीं वो साले हरे रंग की शीशी के अंदर क्या भरा हुआ है। पानी छिड़क के कहते हैं कि सर सैनिटाइजर लग रहा है, तो दाढ़ी काटने के 200 रुपए हैं। आपकी, और कह रहा सर आपकी सेफ्टी के लिए ले रहे हैं। मैंने कहा मेरी सेफ्टी में आपकी एफडी क्यों बड़ी हो रही है। एक तो भाई आरोग्य से तो खुद पूछती है कि तुम 15 दिन पहले कहीं विदेश तो नहीं गए थे। हाँ मैं कैसे जाऊंगा, कैसे तारों के नीचे से। भाई मोदी जी विदेश नहीं जा पा रहे, आम आदमी कैसे जाएगा विदेश। राजनाथ जी चले गए भाई, रशिया चले गए। रशिया चले गए भाई, सोचो भाई क्या होगी। राजनाथ सिंह की कितनी चौड़ी होगी ना, रशियन है यार। नहीं नहीं, अरे उम्र का ख्याल है हमें, राजनाथ रशियन बंदूकों की बात कर रहे हैं हम। और सबसे बढ़िया बात तो ये गाइस, कोरोना से बचने के लिए करा है। हाँ। ताकि हम लोग दूसरे को टच ना करें, यहाँ पे हाथ छोड़ दिया है। मेरा हाथ चला जाए ये उनलोगों के पट्टे कैसा काम करते थे। अरे ये हमारे प्रोडक्शन वालों को आधे घंटे में आके बैठ गए, उसके बाद एक रूल दिया था कि सर वो ग्लव्स पहनने। और वो ग्लव्स साले इतने लेंगे मारने के अलावा किसी काम के नहीं है। बाकी सोशल डिस्टेंसिंग के दौर में गाइस, अगर मुझे किसी के लिए दुख हो रहा है तो सिर्फ एक प्रजाति के लिए दुख हो रहा है। जैन मुझे किसके लिए? अरे वो नहीं चाटते थे लोग। हाँ यार, वो 6 फीट के डिस्टेंस में कैसे चाट पा रहे होंगे बेचारे आजकल। नहीं भाई, उसका भी डिजिटल वो आ गया। हाँ, इंस्टा कॉमेंट्स में आजकल कर डेड सिक, डेड सिक स्क्रीमिंग OMG नो 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 क्या होता है, नो क्या होता है, यस यस। एनीवे गाइस, इस हफ्ते हमने देखी बुलबुल एंड द फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव टू से। एक्चुअली इस बार हमारे पास फर्स्ट वर्ड है नहीं, क्योंकि हम दोनों के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। मुझे जहां बुलबुल एक अच्छी फिल्म लगी, वहीं जैन को उतनी अच्छी नहीं लगी। इट्स एट मैक्स एन एवरेज फिल्म। इंडिया और चाइना के अलावा दोस्तों, जो सबसे बड़ा महायुद्ध चल रहा है वो चल रहा है सोनू निगम वर्सेस टी सीरीज। और सबसे बढ़िया बात यह है कि सोनू निगम लेटे लेटे नमस्ते, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, टी सीरीज जय हिंद दोस्तों, बेसिकली वो हिंदुस्तानी भाव में लेटे लेटे। शालीनता के साथ उन्होंने वीडियो बना दी, और भूषण कुमार की बीवी ने कहा बहुत हो गया। एक सेकंड, हिल फेमिनिज्म, मैं जवाब दूंगी अपने पति की तरफ से। और उसमें उन्होंने इतनी खराब बातें की है ना, मतलब कह रही है कि मैंने यारिया में 10 आउटसाइडर्स को चांस दिया। अब आप अगर किसी को यारिया जैसी पिक्चर दे रहे हो तो आप करियर बना नहीं रहे हो उसका, पहली बात तो खत्म ही कर रहे हो आप। बट हैट्स ऑफ टू बिहारी म्यूजिक इंडस्ट्री गाइज, ऑनेस्ट रिव्यू से भी अप टू डेट अगर कोई है तो सिर्फ बिहारी म्यूजिक इंडस्ट्री। अलिया भाट, अलिया भाट, एक तो मुंबई में ढूंढ बच रही है कि अलिया भाट कौन है, अलिया भाट कौन है, करण जौहर कौन है, करण जौहर कौन है, अलिया भाट कौन है। गाइस लेजिट, अगर आपने नहीं पता है तो एक गाना एक साहब ने निकाला है, हम उसके साथ नहीं खड़े हैं। हाँ। लेकिन उस गाने का नाम है मार
सलमान जन्मा ले लिया ले लिया। आप सुन तो सकते ही हो, सुन तो सकते हैं। वेरी कैची बीट्स, या वेरी प्रॉब्लमेटिक लिरिक्स, वी डोंट स्टैंड बाय इट, या बट ऐसा गाना है। कौन सा ये कह रहे हैं कि हमारे स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ है? नहीं मतलब मैं इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। ओ स्क्रीमिंग नो यस। फिल्म के लीड रोल में है टंग ट्विस्टर नेम वाली तृप्ति डिमरी, जो कि बुलबुल नाम की एक चाइल्ड ब्राइड बनती है। तृप्ति डिमरी के पति बने राहुल बोस, और राहुल बोस ने भी दो कैरेक्टर प्ले करे, एक तो है बड़ा ठाकुर जो कि तृप्ति डिमरी के हस्बैंड है, दूसरा कैरेक्टर उनका प्ले करते हैं इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बंदे का जो कि पॉली धाम के हस्बैंड का कैरेक्टर प्ले करते छोटा ठाकुर। इसके अलावा फिल्म के अंदर है अविनाश तिवारी जो कि बने हैं सत्या बाबू, सत्या बाबू भी एक और ठाकुर हैं, इन्हीं के भाई हैं राहुल बोसिस के, सबसे छोटे भाई हैं। सत्या भाई बने ईश्वरचंद विद्यासागर बैरिस्टर। जी हाँ विदेश होकर लंदन हो, लंदन जो पंजाबियों ने अब शुरू किया ना भाई, बंगाली कर रहे थे आजादी से पहले। एग्जैक्टली exactly. जैसे आज का इंजीनियर है ना उस टाइम का बैरिस्टर था। आज का इंजीनियर नहीं, आज का क्या इन्फ्लुएंसर, डैड इज स्क्रीमिंग नो यस। आज का इन्फ्लुएंसर तब का था बैरिस्टर, बैरिस्टर। इसके अलावा फिल्म के अंदर है परमव्रता चैटर्जी, जिनको आपने कहानी में भी देखा हो। बेसिकली हिंदी में जब भी कोई बंगाली फिल्म होती है परमव्रता को बुला लिया जाता है, वो ये बंगाली बना रहे हिंदी में, ते हिंदी भी आती है तो बंगाली भी दिखता शक्ल से। ठीक है मैं आ जाएगा। पावली धाम भी है इसके अलावा फिल्म में, जो इससे पहले हेट स्टोरी में मैंने तो जिनको देखा था, पावली धाम बेसिकली विधवा हो जाती है तो फिर उन्हें गंजा होना पड़ता है, तो उस जमाने की वो दिखाई गई है। क्या होती है, तो आप विधवा होकर गंजा होते हैं या सोनू निगम जैसे गंजा होते हैं? सोनू निगम तो भाई पैसे भी नहीं मिले सोनू निगम की, सबसे खराब सोनू निगम को यार, सबसे खराब डील, सबसे खराब ब्रांड डील सोनू निगम, डेड वर्स्ट इन्फ्लुएंसर है, डेड 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 स्क्रीमिंग नो ओएमजी यस। फिल्म का प्लॉट शुरू होता है वहां पर, जहां पर बुलबुल नाम की छोटी सी बच्ची की शादी होती है एक बंगाल के गांव में। उसको लगता है कि उसकी शादी एक उसी के उम्र के लड़के के साथ होती है, लेकिन उसकी शादी होती है उससे कई साल बड़े राहुल बोस से, कई गुना साल बड़े। पहले क्या होता था, शगुन की थाली भाई दूल्हे के लिए वो लेके खड़े होते थे दिए भी, अब वो बंदूक लेके खड़े होते थर्मल गन, अब वो तो थर्मल गन लेके खड़े, तो मैंने कहा दूल्हे को बुखार आ जाए तो लौटा दोगे क्या उसे, और क्या, और चल तेरी शादी नहीं हो सकती। ऐसा भी आना चाहिए वैसे जिसमें गेट पे दूल्हे का स्पाइन भी चेक हो जाए। सही बात है, फेमिनिज्म गाइस। Yes. But, शादी होती है, अब बेचारी ये नए गांव जा रही होती है और रास्ते में जाते में ही इन्हें इनकी उम्र का जो छोटा भाई है ठाकुर साहब का वो एक कहानी सुनाता है चुड़ैल की और इनकी हो जाती है दोस्ती उस चुड़ैल की सुनाता है गाइस, वो वाली चुड़ैल की नहीं, वो नेपोटिज्म वाली कहानी नहीं, ना वो तो चुड़ैल की, और उसको वहीं पे उनकी थोड़ी सी एक मतलब बॉन्डिंग हो जाती है कि यार अपनी एज का कोई दिख जाता है, अब नए घर जा रही है लड़की तो ठीक है अच्छी बात है, और वहाँ पे उसकी बॉन्डिंग बढ़ती रहती है। लेकिन गाइस बचपने की बॉन्डिंग आपको पता अलग होती है, और एक बार लड़की सयानी होने लग जाए और लड़का सयाना होने लग जाए तो फिर मोनिश बैल साहब कह गए एक लड़का और लड़की कभी फ्रेंड्स नहीं हो सकते, बात समझ जाओ। उनकी दोस्ती आपस में बढ़ जाती है और वो दोस्ती है प्यार है क्या है हमें समझने में काफ़ी लेयर्स लगेंगे, लेकिन वही खबर लग जाती है बड़े ठाकुर को, बड़े ठाकुर देते हैं उनको एक सजा बड़ी ब्रूटल है गाइस। भाई इनको मिली नहीं तो ये हंस रहे हैं, तो वहां से फिल्म पलट जाती है, फिर वहां से बुलबुल के प्रतिशोध लेने की कहानी है फिल्म बुलबुल। आई मीन एवरेज फिल्म, आप देखो देखना चाहो देख लो, मत देखना चाहो मत देखो, इट्स अ पॉसिबल फिल्म फॉर मी, और मुझे सही लगी भैया। मैं तो अब देखो जो है जैसा है, अब दरार आ ही चुकी है तो विचारों में भी आएगी। So you go to Pakistan, I go to China. कोई ऐसे छोटी मोटी झटकुल्ली से हरकत करे, go to Nepal. वो बड़े को भेज, हाँ बड़े वो depend upon what level of anti-national हरकत you are doing. Yes. You are raising issue on petrol price. हाँ. Go to Nepal. Nepal. You are having China mobile. Go to China. Go to China. You saying, question Modi ji. Go Pakistan. Yes. You are saying China occupy land. Go Pakistan. So coming back to our review of the film, मेरी rating तो guys ये रहेगी कि the film is, चलो मैं अजीना मोटो नहीं कहूंगा बट हाँ उससे ज्यादा बेहतर भी नहीं है। 90 मिनट लूडो खेलो पबजी खेलो उससे अच्छा ये देख लो, मेड इन इंडिया पिक्चर है भाई। ऑनेस्ट रिव्यू को बिंज वॉच कर लो, ऑनेस्ट रिव्यू तो करते ही है यार, अभी पिछली वाली वीडियो के बाद इतनी तारीफ आई है आंख से छलका आंसू जा टपका शराब में मेरा, तारीफ आई व्यू तो आए नहीं, व्यूज तो अभी वही है क्रिटिकली एक्लेम्ड नहीं गए तुम व्यूज तो अब मिस्टर फैजो यूट्यूब पे आ गया बताओ, उसका और डैड उसका चैनल कर दिया भाई मोस्ट डिसलाइक्ड वीडियो एवर। फिर कुणाल कामरा ने कहा कि गाली पड़ रही है और मुझे नहीं पड़ रही, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे वहां सियाचिन में हमारे जवान लड़ रहे हैं और इधर मुझे गाली नहीं पड़ रही, वो आया भाई गाली खाने। और एक तो हर वीडियो के ऊपर डाल देता है हु डिड दिस, और उसके नीचे एक फिक्स रिप्लाई है कि कल को सारे तेरा बच्चा पैदा होगा फिर पूछे हु डिड दिस, और इसमें हर बार हंसी आती है मुझे। एनीवे गाइस देयर आर द थ्री थिंग्स आई लाइक्ड अबाउट द फिल्म, I definitely like the way the film was shot.
फिल्म जैसी भी हो, प्लॉट जैसा भी हो, फिल्म इज ब्यूटीफुली शॉट. डेफिनेटली लाइक्ड ऑल द परफॉर्मेंसेस अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट कि कोई बंगाली लगानी है तो उन्होंने ट्राई भी नहीं किया है. लेकिन गाइस बंगाल का एक हिस्सा दिखा, उन्होंने लाल रंग रखा है पूरे में. क्या लगता है प्रोफेसर जैना आपको, ये क्या कम्युनिज्म की छाया दिखाने की कोशिश की थी? देखिए ना, कम्युनिज्म की छाया है. देखिए अम्फन में जो तबाही मची है, जानवरों का खून, ये वो है. तो वो 150 साल पीछे जाके टाइम ट्रेवल करके वहां गिरा है. हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही? आ रही, आ रही है. मुझे आपकी नहीं आ रही है. थर्ड थिंग वी लाइक्ड अबाउट द फिल्म इज दैट कि फिल्म में क्लीशे हॉरर थिंग्स नहीं है. जैसे कि उनके पास एक सुंदर हीरोइन थी जिसका पूरा शाही बंगलो था, कहीं उन्होंने उसको बाथटब में नहाते हुए नहीं दिखाया, कहीं जबरदस्ती का सेक्सुअलाइज नहीं किया गया. Here are the three things we disliked about the film. One, I will again say the plot is full of clichés. Second thing we disliked about the film is that कि भैया बंगाल में बेस्ड है फिल्म, और कुछ बंगाली बात ही नहीं है. बस बीच में एक बार बड़े ठाकुर पूजो पूजा को पूजो बोल दिया है. इतना साला एक आओ कर दूं मैं बंगाली हो जाऊंगा. हाँ, शुभम, हाँ शुभम ज्वाइन बोड़वा. थर्ड थिंग वी डिसलाइक्ड इज कि एक जो विजुअल ट्रीटमेंट उन्होंने करने की कोशिश की उसे थोड़ा सा ओवर किल कर दिया, कि जब भी जंगल में किसी का मर्डर करने आती थी सब लाल, सब कुछ लाल हो. लोग ब्लू फिल्म देखते हैं, हमने रेड फिल्म देखी. ओ बड़वे, ये बड़वा गर्दी कर रही है और दूर होकर जो करना है. अरे सोशल डिस्टेंसिंग बोल रहा है इसकी बहन की. सॉरी सर, वो मतलब बुलबुल की बात करने आया था. भाई यार तुम्हें कोई तमीज नाम की चीज है कि नहीं है? है? जरूरी है क्या इंसान के पास लाइफ में घुसते चले जाओ उससे सवाल करते रहो वाले? सर उसमें तो 1890 की बात हो रही है. अब आएगा 1890, 1992 की पैदाइश है मछली वाले हॉस्पिटल की. हमारा तो पुराना प्यार है भाई, हमें तो याद आ जाता है, हमारे तो जख्म कुरेद दिए तूने यार. कौन है आपका प्यार? बुलबुल यार, 5 साल रिलेशनशिप चला था उसका मेरी तरफ से. और साले जब से पेट्रोल के दाम बढ़े हैं और ज्यादा दिमाग खराब होता है मेरे तो उसको याद कर करके. भैया 90 रुपये में ना पेट्रोल आ रही है ना बुलबुल आ रही है, और मैंने रिचार्ज करा लिया बाद में से करती नहीं. मैं तो सर वो नेटफ्लिक्स वाली बुलबुल की बात कर रहा हूँ. अबे हाँ देखी हमने वो बुलबुल, हॉन्टेड पिक्चर. काहे की हॉन्टेड पिक्चर है? डर ही नहीं लगा? काहे का डर लगेगा उसमें, क्या हॉरर है? उससे ज्यादा हॉरर तो हमारी बुलबुल है. वो वाली नहीं, दूसरी वाली देखे? आजा, अरे नहीं, दस्ताना पहन ले एक. चल वैसे भी चलता हूँ, आज मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, मिशन पे निकला हूँ. क्या मिशन है एग्जैक्टली सर? अबे यार मैंने दस्ताने खरीदे COVID-19 से बचने के लिए. अब लेकिन जब से पहन रहा हूँ ना, हाँ, तो मेरा मर्डर करने का मन कर गया. तो मैं सोच रहा हूँ एक आध चटका ही देते हैं, फिर ले लेते हैं. आजा आजा. नहीं सर. अबे लाश बनना होता है बस? नहीं, पहले मारूंगा फिर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, बड़ा मजा आएगा. नहीं नहीं, अबे आ जाना. अरे नहीं. एनीवे गाइस, सो दिस वाज द 3 ऑफ अस ऑन ऑल फेमस ऑनेस्ट रिव्यूज. वी आर ट्राइंग टू बी बैक इन द स्टूडियो. या वी आर ट्राइंग टू टेक एज मेनी प्रिकॉशंस एज वी कैन, बी एक्सट्रीमली सेफ. यप. But if we won't take precautions, we'll be dead. Yes, screaming. Then you guys will be screaming. Screaming, crying. No. OMG. No. Yes. And other review will be like, yes. Yes. See you next week. Yeah. And bye-bye. Till then, like, share. Bye. पहले मैं like share की भीख कौन मांगेगा? अभी मांगेंगे guys. एक मिलियन करवा दो. लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. I can't wait to read those comments. Finally, they are back. Yes. Nice. Screaming. Yes. No. Crying. Dead. Yeah. Chaliye. See you guys very soon. Bye-bye. आज तुम पे ब्लेम कर रहे हो कि सुशांत की इतनी फिल्में खो गई, ये फिल्में खो गई. सुशांत इन माय ओपिनियन हैज डन टू ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म्स ऑफ हिंदी सिनेमा, विचार सोनचिड़िया एंड डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी. तुम में से कितने लोग चले गए थिएटर में उसे देखने, पहले ये बताओ. Exactly. तुमने देखी सिर्फ MS धोनी.